नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोगों को अपने स्क्रीन पे कुछ अलग चीज दिखाई देगा, अच्छे से विस्तार से दिखाई देगा। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और मैं सभी लोगों को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। एक दो लोगों को मैं यहाँ को होस्ट बनाता हूँ। अगर सेशन में कभी मैं चला गया तो आप लोग इसको संभालिएगा। और डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपका जो आपने अनुभव बताया बहुत ही बढ़िया बताया। आप कहाँ करते हैं प्रैक्टिस सर, थोड़ा बताइए सभी लोगों को। सर मैं टुंडला में रहता हूँ, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, आगरा यहाँ से 20 किलोमीटर है। जी जी सर। और आप कितना साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 12 साल हुआ सर, 12 इयर्स। अच्छा, और आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं कुछ बताइए ना अपने बारे में डिटेल में। पटना से किए थे सर, पटना से बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ अभी। जी जी। मेरे नाना जी वो भी बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस, वो तो ज्यादा मतलब ये एकेडमिक ही थे, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा अनुभव था, उनके साथ भी रहने का मुझे मौका मिला, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। जी, दवा सब प्रिपेयर करने का वही बताते थे कि कैसे करना चाहिए कि उसका गुणधर्म खत्म नहीं हो। ये सब मेरी नानी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, डायलिसिस भी शुरू हो गया जी। वो जब दवा बनाते थे ना तो वो बताते थे कि खरल भी करना है तो जैसे दोनों साइड हम आगे पीछे नहीं करते, वो बताते थे एक ही साइड लाना है फिर छोड़ना है, एक ही साइड लाना है छोड़ना है। और इतना मतलब बहुत सिंपल सिंपल जो दवाई है, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और बसंत कुसुमाकर रस, किसी का खरल करके बना के पुड़िया देते थे और उनका डायलिसिस भी बंद हो गया और बहुत अच्छा हेल्दी किडनी हो गया था जी। बहुत तो अच्छा। आपको याद है क्या क्या दिया गया था फॉर्मूला? सर वही मैं अभी एक सीकेडी पेशेंट है ना जिसका ईजीएफआर 20.9 आ गया, तो मैं दे रहा हूँ सर बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, 45 डेज मतलब उसको अभी हम ट्रीट किए हैं तो उसमें 27 पॉइंट कुछ आ गया लेफ्ट किडनी का जी। और जो भी सिम्टम्स था ना वो सिम्टम्स सब तो खत्म हो गया, उसको भूख नहीं लग रही थी, मतलब पेट में पूरा फूला फूला रहता था, पैर सूजन हो जाती थी, ये सब खत्म हो गया, भूख भी अच्छी लग रही है, पहले से बहुत एनर्जाइज फील कर रहा है और रिपोर्ट में भी बहुत का फर्क आ गया है। तो उसमें मैं सर जो दे रहा हूँ सर्वतोभद्रा रस, इसका आता है धूत पापेश्वर का, वो ऐड करता हूँ और बसंत कुसुमाकर रस, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी, ये सब को खरल करके गिलोय सत, ये मात्रा रहता है।
लेकिन सर 99% दवाई को मैं खुद से खरल करके ही देता हूँ पेशेंट को। जी ये तो वही नाना जी का ही है, वो बोले कि थोड़ा मेहनत करो पेशेंट के लिए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए दवाई को जो जब भी वो बताते थे, और खास करके स्वर्णकल्प वगैरह जो भी बताते थे ना कि जी स्वर्णकल्प है या फिर जो भी शुद्धाकल्प की मेडिसिन है, आप उसको खरल करके ही दीजिए, क्योंकि कंपनी बनाती है तो एक रफली बना देती है, आप अगर उसको आप खरल करेंगे, संस्कारित करेंगे, मनन करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टफुल होता है। जी तो टाइम तो लगती है सर, लेकिन उसका इफेक्ट भी देखते हैं कि अच्छा रहता है। जी ऐसे जो दवा दे दीजिए और उसको आप खरल करके दीजिए, उसमें बहुत का फर्क रहता है सर। आप एक काम करिए, आप ना जो दवाई का फॉर्मूला बताया किडनी पेशेंट का, वो थोड़ा जी ग्रुप में जी डाल दीजिए ताकि सभी लोगों को फायदा हो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, डाल है उसका रिपोर्ट भी डाले थे सर, रिपोर्ट भी डाल देते हैं। मतलब दोनों 45 दिन के बाद, 45 डेज के बाद जो कराया है वो हाँ रिपोर्ट का भी मैं डाल दूंगा सर। जी, और आप बहुत ये सही। शशि तिवारी मैम के रिश्तेदार हैं क्या? वो भी बहुत इंटेलिजेंट, आप भी तिवारी जी, नहीं वो भी तिवारी जी। सर, रिलेशन तो मेरा सब पूरे मतलब आयुष दर्पण फैमिली ही हमारा अपना रिलेशन ही है। सब रिलेटिव ठीक है, अर्चना ही मैम आप क्या पूछ रही थी, है। पूछिए थैंक सर से। हाँ यू सर। खरल मतलब ये घोटते हैं क्या ऐसे मतलब? जी घोटते जी ना, जी लेकिन वो टैबलेट फॉर्म फिर आप घोट देते हो या आप भस्म ही लाके वो करते हो? नहीं मैम, अभी तो बहुत सारी मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में ही अवेलेबल होता है तो उसको ही खरल करते हैं। फिर जैसे आप अभी ये भी वीडियो डाल सकते हो तो डालिए ना कि आप कितनी बार कर रहे हो या कैसे कर रहे हो ऐसा, मतलब जी जी टैबलेट हाँ, फॉर्म आपको उसको खरल करना। खरल करने के लिए एक्चुअली जब जो नवाकार जो खरल होता है ना मैम, तो हाँ नवाकार जो खरल होता है उसमें जैसे नीचे से ऊपर लाके छोड़ते हैं, नीचे से ऊपर लाके छोड़ते हैं बार बार, ओके ज्यादा उसको दबाना भी नहीं है। अब जब यस गोलाकार वाला जो होता है उसमें करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, अब ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में घुमाए फिर अपोजिट कर दिए, जब भी घुमाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना। मतलब नाना जी का कंसेप्ट था क्या कि जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो पॉजिटिव गति होता है वो एक ही रहना चाहिए, फिर विपरीत नहीं करना है हमको, ऐसा अच्छा बोलते थे, तो वैसे ही खरल करते हैं। जी यस सर, अगर आपको डाल सकते तो डालिए सर वीडियो ये भी, उसका वीडियो भी अगर होगा तो वो भी कोशिश करेगा हम भी सीख लेंगे ताकि सर एक बार, बाकी कुछ नहीं। ज्ञान बांटने से ठीक है बढ़ता। मैम, ये तो जी जी यस बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं दवा बनाऊंगा तो वो डाल दूंगा। ओके सर, ठीक है थैंक यू मैम, सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि शशि तिवारी मैम इंटेलिजेंट है, अब एक और तिवारी जी आ गए, वो भी, आप भी बहुत इंटेलिजेंट निकले, बहुत अच्छा लगा। हेलो, थैंक प्रणाम यू सर। सर, ये सब आप ही सब प्रभाव सर। थैंक यू। हाँ हाँ जी डॉक्टर जी नवजोत कौर मैम, मैम प्रणाम बोलिए मैम। सर। मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि जब पेशेंट आता है तो तुरंत उसी समय फिर ये मर्दन करके फिर से देते हैं या हाँ पहले रख मैम, लेते? नहीं, मैम एक्चुअली मैं वह उसी समय मर्दन करता हूँ, टाइम तो लग जाता है मुझे, इसीलिए मैं ज्यादा पेशेंट भी नहीं देखता हूँ, कम जी बहुत अच्छा। पेशेंट को ही रखता हूँ, फिर कभी ऐसा कोई हेल्पर को भी रख लिए मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन अधिकांशतः पेशेंट को हम दवा को खरल करके ही देखते हैं। जी सर जी, नहीं सर वो मुझे टाइम लगता है तो हम खुद ही लगता करके है देंगे तो मैम, उसका अच्छा और इफेक्ट आएगा खास जो। करके जब हमको ऐसे क्रॉनिक डिजीज पे काम करना होता है ना, जैसे सीकेडी का पेशेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा है ना, तो उसमें ज्यादा बोलते थे कि प्रेशर भी नहीं डालना है, हल्के हाथ से ही करना है उसको, हल्का हाथ से ही करना है, ज्यादा प्रेशर भी डालने से उसकी क्यूरिंग एफिशिएंसी पुअर हो जाता है, तो ज्यादा मतलब प्रेस भी नहीं करना है लेकिन उसको बार बार करना है वही चीज। उनका तो करना था कि ये कम से कम 400 टाइम्स करना है, 400 टाइम्स, लेकिन 200-300 बार तो मैं करता हूँ, 200-300 के समथिंग इंटरवल करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है 400 करने से, फिर जी भी अच्छा रिजल्ट आता है। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सो मच सर। वो तो थैंक मुझे लगता है हम खुद ही करेंगे तो सर एक उस फीलिंग से देंगे पेशेंट को, यू मैम। हाँ तो मैम ये अदर। तो बिल्कुल, हमारा हमारा जो पैथी है उसमें फीलिंग की जो बात की जाती है, जो हम बोलते हैं संस्कारित करना,
तो वो वही चीज है, जैसे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करे तो फिर हमारे जो आराध्य देव है शिव जी है, पूरे वैद्यनाथ जिसको बोलते हैं, वैद्यों का जो प्रभु है, उनका ही अगर नाम अगर लेते रहे ना जितना बार लेंगे तो उसकी पोटेंसी बोला जाता है कि बढ़ जाता है मेरी सुनती। तो कुछ नहीं जानते हैं तो उनका नाम भी बार बार अगर हम लेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा दवा बनाते समय। और ये जोशी सर भी बताते हैं ना, जोशी सर भी जब सिखाए थे हम लोग को मर्म चिकित्सा, तो वो भी बोले थे ना कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए, और ये बोले थे कि उससे हमको एनर्जी महसूस होता है और दूसरे के जो जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उससे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। मतलब किसी भी हाल में एक चिकित्सक के रूप में अगर हम प्रेजेंट होते हैं तो हमको एक आराध्य देव जो है भगवान शिव जी, उनका तो आराधना करना ही चाहिए और उनका मनन करना ही चाहिए। जी मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पर। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, वो जो मेरे पेशेंट थे ना जिनकी मैंने बात करी थी, थैलेसीमिया माइनर वाले, जिनमें आपने बताया था कि ये फॉलो करना है कि दीपन पाचन अनुलोमन और फिर विरेचन और स्नेहन, हाँ तो सर उनका ये सारा तो मैंने कर दिया था। तो सर उनको एक्चुअली मैंने त्रिवृत्त लेहम लिखा था विरेचन के लिए, वो तो यहाँ से मिला नहीं, पर उन्होंने कॉन्टिन्यूसली ना अविपत्तिकर चूर्ण लिया जीर्गाद्यरिष्ट के साथ, और उसके साथ ना अभी उनको 3-4-5 दिन से ना तीन तीन चार चार मोशन पास हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल मोशन पास हो रहे हैं पर तीन तीन चार चार बारी। तो सर ये विरेचन कितनी देर के लिए कंटिन्यू करना है, और स्नेहन ऐड कर दो साथ में, सर हाँ स्नेहन ऐड कर दीजिए, आप दाढ़िम जो घृत है वो ऐड कर दूं, दाढ़िमादि कर घृत? दीजिए, दाढ़ीमादि घृत दीजिए, कटुकादि घृत, आपके ठीक पास है क्या सर, अवेलेबल है, महातिक्त घृत कुछ भी दीजिए। सर वो थोड़ी अवर सत्व की है तो मैं सोच रही हूँ दाढ़िमादि घृत सही हाँ रहेगा बराबर फिर। बराबर दे दीजिए, उसके बाद में आप रस पाचक रक्त पाचक के जो है घटक द्रव्य वो दे हाँ सकते हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि लौह कल्प दे सकते हैं, हाँ जी ठीक है सर। सर उसमें क्या ताप्याधि लौ उनको दे दूँ? दे दीजिए। आपको रस पाचक रक्त पाचक का देखना है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये जो है ना, हमारे सर का फॉर्मूला बुक है, हाँ जी आप सर, लोग ये कॉपी आपने कर। पीडीएफ शेयर किया था, ये मैंने रख लिया था अपने पास। हाँ तो मैं अभी आप लोगों को पाचक दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आप लोगों को रस पाचक रक्त पाचक क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बेसिक है आयुर्वेद का। ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है, दिख रहा है पाचक, हाँ जी पढ़िए आप हाँ जी, मैम, आप ही पढ़िए क्या है रस पाचक क्या है। तो इसमें पटोल इंद्रिय वार कुटकी फल श्रुति इसकी संतत ज्वर, जी रस ये पाचक, वाग्भट चिकित्सा स्थान। हाँ जी, हाँ और रक्त पाचक पटोल सारिवा मुस्ता पाठा और कुटकी, और ये सतत ज्वर में, और हाँ मांस पाचक इसमें पटोल निम्ब त्रिफला मुस्ता वत्सक मनुका, और ये अन्य धुष्क ज्वर में है, और मेदो पाचक में किरातिक्त अमृता चंदन और सौंठ ये तृतीयक ज्वर में, और अस्थि मज्जा पाचक में आमलकी मुस्ता अमृता मद बरोबर और फलश्रुति इसकी चतुर्थिक ज्वर। बरोबर, मतलब उसके साथ में मधु के साथ। ठीक है सर, मधु बरोबर। तो ये पाचक जो है ना, ये आप लोग अपने प्रैक्टिस में दिया करिए, जो हाँ भी जी सर, रस व्याधि रहती है। पाचक, हाँ जी रस पाचक सर मैंने खुद से बनाया था सर, इसमें इक्वल क्वांटिटी लेनी है ये पटेल बराबर, पटोल हाँ इंडिया? ठीक जी है, ओके सर। ठीक है। इसका प्रयोग आप लोग चूर्ण फॉर्म में कर सकते हैं या टैबलेट फॉर्म में कर सकते हैं, इसका सर उस करेंगे पेशेंट प्रयोग। में, हाँ जी सर डॉक्टर साहब, उस पेशेंट में मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, जब वो पहली बारी मेरे पास आई थी ना, धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसमें जान ही नहीं थी, कोई भी काम भी कर रही थी, मतलब बिल्कुल स्लो था उसका सिस्टम, और आज उसका एटीट्यूड बिल्कुल फास्ट फास्ट था, वो फास्ट चल रही थी, फास्ट बोल रही थी और थोड़ी अलर्ट लग रही थी, तो जी मतलब ये चेंज था उसमें। जी आप लोग अपना प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो पाचक का प्रयोग करिए कोई भी दवाइयों के साथ, फिर देखिए कितना अच्छा प्रैक्टिस बढ़ता है, अगर रिजल्ट आएगा तो पेशेंट आपके पास ही आएंगे। ठीक जी है, ठीक है, थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब। हाँ।
और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर स्टीविया का प्लांट आता है उसका किसी ने यूज किया है? कौन सा प्लांट? स्टीविया। स्टीविया मुझे तो नहीं पता मैम। लोग यूएस में तो यूज करते हैं, जैसे मेरा वहाँ भाई है एज ए स्वीटनर इसको यूज करता है, बट इंडिया में अभी भी रेयर लोग यूज करते हैं। वो लोग तो डायरेक्ट उसकी पत्तियों को लेते हैं, चाय में डालते हैं और पीते हैं। तो एज ए बहुत बढ़िया मतलब स्वीटनर क्रैक करता है और नेचुरल स्वीटनर है और डायबिटीज वालों के भी कोई पंगा नहीं होता है। तो यूएस में तो इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं, बट इंडिया में अभी कम है मैम। हाँ मेरे पास उसका प्लांट आया है और बहुत सारी पत्तियां आई है, तो मैंने बोला किसी को पूछ लो क्या यूज करते हैं। हाँ तो उसका एज ए स्वीटनर यूज करते हैं मैम। आप जैसे चाय वगैरह बनाते हो ना, तो सिंपली लास्ट में अपना क्रश करके डाल लीजिए। तो मेरा भाई तो यूज करता है तो मुझे पता है उसका। यूएस में ज्यादा कल्चर है, मैंने भी एक बार सोचा था इसका प्लांटेशन कराने का, बट मैं करा नहीं पाई। भेज दूंगी, मेरे पास बहुत सारे प्लांट आप उस पर भी देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हो। इसके स्टीविया हाँ, के काफी उसमें वैसे ही आया है, पर किसी ने यूज किया है ऐसा? हाँ वो मेरा ब्रदर यूज करता है। ओके हाँ मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी कुछ बोलिए। गंगवार सर बहुत दिन के बाद आए हैं, मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर के एन गंगवार सर कुछ बोलिए। सर कुछ बोलेंगे? डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी कुछ बोलिए। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। शशि मैम आपका तबीयत ठीक है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर तबीयत ठीक है। आज हम लोग चंडीगढ़ अभी आए हैं, एक दो घंटा हुआ पहले पहुंचे हैं। वेलकम बैक टू पंजाब मैम। थैंक यू मैम। मैम बहुत दिन बाद आए हो, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ बहुत दिन हो गए, काफी टाइम, 4 मंथ हो रहा है। वही मैं देख रही थी सारा अपनी सोसाइटी वगैरह चक्कर लगाया, मैंने कहा देखे क्या क्या बदला। हमारे यहाँ तो रोड बन रही है ना, तो बाहर तो बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ है। यहाँ पर वो बन रहा है ना, फ्लाईओवर बन रहा है मेरे घर के सामने। अच्छा हाँ जी, हाँ जी मैम ठीक है। सर एक चीज के बारे में पूछना है। हाँ पूछिए। सर एक 65 ईयर ओल्ड मेल है, तो सर उनको ऐसा है कि बड़ी उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अदरवाइज वो फार्मर थे, तो जैसे अपना एग्रीकल्चर का ही काम करते थे। तो बट अब एट प्रेजेंट उनको ये है कि नीज में पेन है, ज्यादा चलते फिरते नहीं, और खान पीन बहुत अच्छा है, भूख बड़ी बड़ी अच्छी है, तो शुगर भी है 4-5 सालों से जैसे उन्होंने बताया। तो सर ऐसा उनको देख के यही था, कॉन्स्टिपेशन रहती थी उन्होंने बताया था ज्यादा। तो सर उनको मैंने ना जैसे आरोग्यवर्धिनी लहसुन आदि, हैवीनेस भी रहती थी, और महायोगराज गुगुल ऐसे दिया था, सुख विरेचन चूर्ण दिया था, और एरंड ऑयल बोला था रात को दूध के साथ लेने से थोड़ी देर के बाद, बोला था हफ्ता 10 दिन लो फिर बंद कर देना। सर उनका यही है कि एरंड ऑयल जब तक लेते हैं तो उनका अच्छा कोष्ठ शुद्धि होती है, बट जब बंद कर देते हैं बीच में तो फिर उनको वही प्रॉब्लम रहती है कि पेट नहीं साफ होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो ये है कि सर वो ये अपनी डाइट में भी नहीं चेंजेस कर सकते ज्यादा अपनी एज के अकॉर्डिंग, जो उनका लाइफस्टाइल जैसे मतलब बड़ा इजी गोइंग है, कोई वॉक भी नहीं है इवन कुछ, बस घर में ही है जो चलते फिरते हैं। तो सर अब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि उनको मैं किस तरीके से, अभी मैंने महारासना आदि को आज सोचा उनको देने के लिए, तो सर किस तरीके से थोड़ा सा मैं करूं कि उनको ज्यादा परेशानी भी ना हुए, क्योंकि मैं आपको लोगों से बोलवाता हूँ। डॉक्टर कंचन मैम आप गाइड करिए क्या करना चाहिए। कंचन मैम। प्रणाम। प्रणाम सर। बोलिए मैम क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी मैम, एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है मेल, तो उनको ये है कि बाय प्रोफेशन वो फार्मर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर का ही काम किया उन्होंने, इजी गोइंग लाइफ थी और खान पान अच्छा था, है ना? अभी भी अच्छा है, भूख बहुत अच्छी है, बट उनको काफी देर से ये ज्वाइंट पेन जैसे नीज की प्रॉब्लम तो काफी देर से है कहते चलती। अभी एट प्रेजेंट उनको शुगर है 250-300 तक उनकी रहती है, और एलोपैथी की टैबलेट भी नहीं लेते, जैसे माइंडसेट होता है ना कि मैंने लगातार दवाई नहीं लेनी,
10-15 दिन में एक बार ले लेते हैं तो फिर कहते हैं थोड़े दिन ठीक रहती है, बट उसके बाद फिर इतनी बढ़ जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से अब वो ज्यादा परेशान है कि वो कहते हैं कि मेरा पेट साफ हो जाए तो मैं बाकी सारा कुछ ठीक है मेरा, मतलब मैं इजी हूँ एट माइंड। तो अब ये था कि मैंने उनको ना सारा पूछ के उनको आरोग्यवर्धिनी, लक्षणादि वटी, महायोगराज गुगुल, सुख विरेचन चूर्ण और साथ में एरंड ऑयल रात को दूध में, ये बोला था कि हफ्ता ले लो फिर बीच में बंद कर देना ऐसे। बट जब तक वो एरंड ऑयल लेते रहते हैं तो उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक, मोशन ठीक पास होता रहता है, बट जब बंद कर देते हैं तो उनको फिर से कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब मोशन पास नहीं होती, या होती भी है तो मुश्किल से होती है। बट मैम वो ये अभी तक कर बताई थी, वो भी दिन में 2 ग्लास लेते हैं, बट ज्यादा वो अपना लाइफस्टाइल भी नहीं चेंज कर सकते, सेडेंट्री है, घर में ही घूमते हैं, बाहर कहीं ज्यादा नहीं जाते आते, और डाइट में भी वो ज्यादा अपनी चेंज, अगर उनको लंघन बताऊं या सूप बताऊं यूज बताऊं वो भी नहीं वो ले सकते, मतलब ऐसा। तो अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको किस तरीके से, उनको क्या मैं अब बताऊं कैसे करूं। मैम आपने तो दीपन पाचन तो दे ही दिया है ना, लक्षणादि वटी वगैरह। अभी जैसे कि ओल्ड एज है ना, तो यहाँ हाँ पे जी आप बोल रहे हो पेन वगैरह है, तो वो तो सब डिजनरेशन वाला पेन लग रहा है वात वृद्धि के कारण, है ना। तो वेट हाँ वगैरह चलता है क्या, वो भी देख लेना। पर कॉन्स्टिपेशन के लिए आप जो परेशान है ना वो पेशेंट, तो उसमें जी जैसे लाइफस्टाइल तो चेंज करनी पड़ती है, पर बहुत बार नहीं पेशेंट कर पाता है। तो बस एटलीस्ट उनके खाने में ना हम आहार रूप में हम घी को ऐड करें, गाय के घी को। तो यहाँ पे गाय के घी को ऐड करेंगे ना, आप स्नेहन हो जाएगा ना, तो एक जैसे इंटेस्टाइन पे ल्यूब्रिकेशन हो जाता है, स्नेहन हो जाता है, तो उससे भी आप जो भी खाना खा रहे हैं तो उसे जो एक मतलब भाग जो बनेगा ना, तो वहां पे जी एक लुब्रिकेशन रहेगा, तो थोड़ा मोशन पास करने में इजी हो जाएगा। बाकी तो आपने एकदम सही दिया है, लशुरादी वटी आरोग्य वर्धिनी आपने जो चलाया ना, तो वैसे ही चलने जी दीजिए। बस उनको बोलिए कि थोड़ा खाने में घी का इंटेक ज्यादा कर दें, जी छाछ मैम ऐसे वगैरह। 4-5 चम्मच जैसे सुबह नाश्ते में और 4-5 चम्मच शाम के खाने में लेते हैं, कहते हैं 2 ही टाइम खाता हूँ और 2 ग्लास तक ले लेते हैं दिन में, तो ऐसा ये कर तो रहे हैं। इसे एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ इसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा स्नेहन के लिए बोलिए, बाह्य स्नेहन जैसे कि अभ्यंग वगैरह बोलिए, तो उससे भी बहुत अच्छा महानारायण फायदा। ऑयल का बताया था, सर्दी हाँ पीछे काफी थी तो उनके घुटनों को पहले से बेटर भी रहे हैं, वो बताते हैं उनके घर वाले कि मतलब अच्छा घूमते फिरते रहे इतनी ठंड में भी घर में, नहीं तो कहते दिक्कत होती थी उनको कमरे में इवन उठ के जैसे टॉयलेट जाना, तो बट वो बेटर रहे हैं, बट कॉन्स्टिपेशन का ही ज्यादा वो उनको है, वो अब सेडेंट्री है एक तो लाइफस्टाइल है ना उस तो वजह से। नस्य भी दे देना, क्योंकि हो सकता है ज्यादा सोच रहे हो, तो एक नस्य भी ऐड कर दीजिए, वहां पे भी स्नेहन हो जाएगा। आप बस्ती ऐड कर सकते हो तो बस्ती ऐड करा दीजिए, मात्रा बस्ती वगैरह, तो उससे भी फायदा हो जाएगा। मतलब कहीं जी भी तरीके से आपको स्नेहन करना है बॉडी का। स्नेहन करना। और मैम शुगर के लिए ना मैंने उन्हें मधुग्रिट बताई थी, अभी वो तो खैर 10 दिन से ही ले रहे हैं, अभी उसका कोई नहीं उनको रिजल्ट आया है, तो ये इसकी दो टू टैबलेट्स ही लेनी और खाने के बाद लेनी चाहिए। हाँ, मधुग्रेट मोस्टली हम लोग खाने के बाद ही एडवाइस करते हैं, 2 सुबह 2 शाम। पहले तो ये इतना डोज दे के मॉनिटर करने के लिए बोलिए, अगर मॉनिटर करते करते वो अगर एटलीस्ट वो नॉर्मल आ रहा है तो वही डोज को कंटिन्यू कर देना, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसके डोजेस को बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि 2 सुबह दे दिया, 2 दोपहर में दे दिया, 2 शाम को दे दिया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, वो अगर खाना 3 टाइम लेंगे तभी दे पाएंगे है ना, अगर खाना 2 टाइम ले रहे हैं फिर तो खाने के बाद 2 टाइम ही दे पाएंगे। मोस्टली डायबिटीज पेशेंट में तो पहले से ही डाला जाता है कि ब्रेकफास्ट करना है, तो वो ले ही रहे होंगे, या फिर नहीं भी ले रहे होंगे तो कुछ ना कुछ फ्रूट से या जूसे से कुछ ना कुछ तो लेते ही है पेशेंट वैसे, तो आप 3 टाइम वहां पे कर सकते हो। अगर पेशेंट 2 ही टाइम खा रहा है तो वैसे भी नो शुगर इतना हाई नहीं जाता है, जो आप अगर हिस्ट्री पूछते हो ना, तो जो प्रॉपर 2 टाइम का खाना खाते हैं ना, तो उनमें इतनी शुगर लेवल हाई नहीं दिखती है कभी भी। मैम वो मुझे लगता है कि जैसे मैं बता रही हूँ ना कि परहेज नहीं कर पा रहे हैं, चाय वगैरह नॉर्मल शुगर वाली ले रहे हैं, दिन में दो हाँ बार तो चाय फिर लेते हैं तो हाँ,
वो ये भी वजह है। चाय लेंगे तो शुगर कैसे कंट्रोल में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है फिर। चलो ठीक है, शुगर बंद करा दीजिए आप पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ा मानस पे भी काम करना पड़ेगा, शायद एक जगह पे बैठे है ना तो एक सोच सोच के भी शुगर बढ़ेगी, सोच सोच के भी कॉन्स्टिपेशन बनेगा थोड़ा सा उनके। अदरवाइज घर में बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह, वैसे तो ठीक है उनसे, मतलब जॉली उसमें रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट चलो फिर भी इवन देन में जो भी है करती हूँ ट्राई, है ना। हाँ, थोड़ा वॉकिंग वगैरह एटलीस्ट, थोड़ा प्राणायाम करने बोलिए। जी जी, तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। और कैस्टर ऑयल की जगह पे ना आप चिंचा लवन तेल भी यूज कर सकते हैं। चिंचा लवन तेल से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मतलब कि जो एक बुढ़ापे में जो एक मलबद्धता होती है ना, इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। सर ने भी सिखाया था हमको ये, मतलब ये कल्प कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, आप यूट्यूब पे जाके फिर से देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है वो, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। जहाँ पे बहुत बार हम कैस्टर ऑयल देने के बाद भी पेशेंट अनसेटिस्फाइड रहता है ना, तब यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम, मैं करती हूँ ट्राई, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है, बताना है तो बता सकते हैं केस में, नहीं? ठीक है, तो आप करिएगा मैम, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू कंचन मैम। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हेलो, हाँ सर बताइए सर। हाँ सर, को प्रणाम सर। एक केस है सर पीसीओडी का जी, 12 इयर्स से सर उसको मेंस आने शुरू हुए थे, जब भी से इरेगुलर से थे सर, पीसीओडी डायग्नोज हुआ। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। लास्ट मंथ तक मॉडर्न पे ट्रीटमेंट ले रहे थे सर, और लास्ट मंथ से उसको दिया है, तो अब की बार उसको मेंसेज इतने अच्छे से आए हैं सर, इतने ठीक हो गए हैं। दशमुला जिस दिया है सर, रक्त पाचक दिया है, कार्टनर गुगल दिया है, कुबेरक्षवटी दिया है सर, और चंद्र प्रभावटी दिया है सर। इससे बहुत अच्छा लाभ मिला है सर पेशेंट को। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो ये सर 12 साल की एज से थी सर, अब वो 30 की एज में चल रही है सर, अब तक मॉडर्न पे जो पहली बार उसने आयुर्वेद लिया है सर। जी बहुत अच्छा सर, बहुत ये अच्छा। सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ठीक हुआ है सर। तो उसमें क्या दिया आपने सर? उसमें मुसली पाक दिया है, वानरी गुटी का दिया है सर, सिद्ध मकर ध्वज दिया है, शिलाजीत दिया और अश्वगंधा दिया सर जी। 3 महीने में उसको 50% रिस्पॉन्स आया जी। ये सर 2 केस मेरे ठीक हुए हैं सर जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आप सर ये ग्रुप में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, मैं बिल्कुल लिख के भेजता हूँ सर। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर पल्लवी को लोकल एप्लीकेशन के लिए विषगर्भा तेल, उसमें विषगर्भा पोटली मिला के, थोड़ा सा स्फटिक कपूर मिला के दे रहा हूँ सर, कांचना गोल को क्रश करके। सर ठीक, चल ठीक रहेगा ना? ठीक है। और उन्होंने दवाई शुरू किया क्या? हाँ सर, दवा चालू किया सर, मैंने बोला है उनको खरल का वो पत्थर भी लिया है, वो क्रश करके सारी दवाइयां मिक्स करके खाने में नमक 0 कर दे, और ये खाने में उसकी जगह ये नमक की जगह ये चीजें डालें, मैंने ऐसा बोला जी। आपने बता दिया ना, मैंने ऐसे भेजा था कि मैंने क्या क्या दिया है दवाइयां। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, उनको विश्वास से लेना चाहिए तो ठीक हो जाएंगी सर। दाढ़ी मसाज दीजिए ना नमक की बजाय, और जो गोलियां है ना उनको महीम करके वन शॉट जाने दीजिए, किसी भी जो भी उनको अनुपान, नवनीत है या फिर धनेजी रेखपांड है या फिर हनी है जो भी, लेकिन उनको उनके मन से जाने दीजिए, बिकॉज बहुत रसक क्षमता है। आप नमक की बजाय दाढ़ी मस्तक या हिमवाष्टक इसको रिप्लेस करिए, क्योंकि जो भी दवाइयां है ना उसमें महक से पेशेंट थोड़ा डिटोरेट करता है, उसकी बजाय थोड़ा अग्नि भी बढ़ेगा और नमक को रिप्लेस भी कर। हाँ मैम, वो अभी सर का आम पाचक बटी जितना डोज बढ़ा सकते हैं, मैंने ऐसे बोला कि वो ऐड कर दें उसमें, तो
चलेगा सर, वो भी चलेगा है ना सर, वो भी। हाँ और मैं भी खा रहा हूँ सर की आम पाचक बट्टी मैम, बड़ी अच्छी है मैम, मेरे को तो मेरे पसंद है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर एक पेशेंट है मेरे पास फीमेल 27 इयर्स के, उनकी सर 6 मंथ पहले प्रेगनेंसी थी तो उन्होंने अबॉर्टी पिल्स खा ली थी, तो कुछ टाइम के लिए उनको जैसे 10 to 12 डेज के लिए पीरियड आ रहे थे और क्लॉटेड मेंस्ट्रुएशन था, तो जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें आया बल्की यूट्रस और राइट ओवेरियन सिस्ट था उनको 442 mm × 30 mm का, सेप्टेशंस नहीं थी उसमें, और सर्विक्स में भी सर ये नेबोडियन सिस्ट था उनको, तो ऐसे 3 मंथ्स के लिए। और उनकी हिस्ट्री में ये था कि उन्होंने जो हार्मोनल पिल्स लिए थे 8 to 10 टाइम्स जो मेंसेस पोस्टपोन करने के लिए, तो सर उनको 3 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट दिया था मैंने, तो उनका जो सिस्ट राइट ओवरी सिस्ट था वो डिसॉल्व हो गया और जो बल्कि यूट्रस अभी भी है, उस टाइम था सर 10.4 × 4.7 सेंटीमीटर का और अभी आया है 9.4 × 4.3 सेंटीमीटर का, और नेबोडियन सिस्ट भी अभी है उनको, तो सर इसके लिए पूछना है तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए ठीक हो जाएंगी। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, उसे पूरा 100% ठीक हो जाता है। जी सर। सर ये कितने टाइम के लिए चलाना पड़ेगा? जैसे 3 महीना, अगर बहुत ज्यादा सिस्ट का साइज बड़ा होगा तो 3 महीना, ये तो 15 दिन में वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे सर्विक्स में सर इनको 1.3 सेंटीमीटर का है सिस्ट, लार्जेस्ट वन जो है। तो आप अभी इतना तो दीजिए, फिर देखते हैं ना क्या रिजल्ट आता है। ओके सर। बाकी किसी को, कंचन मैम आप कुछ हेल्प कर सकती हैं ये केस में, कुछ बताइए आप लोग। कंचन मैम, शशि मैम कुछ बताइए ये केस में। सर नेबोथियन सिस्ट के केस में कई बार, वैसे तो मैंने जब पहले पेशेंट्स को देखा एलोपैथी में जब देखती थी तो वो लोग तो नेबोथियन सिस्ट के केस में मतलब एंटीबायोटिक वगैरह चला देते हैं। हम अपने हिसाब से समझे तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जहाँ पर भी सिस्ट वगैरह रहता है या गांठ रहता है तो वहां पर अधिकतर हम आरोग्यवर्धिनी और कांचनाथ गुगलू चलाना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट की प्रॉपर और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में कहाँ पर वो है, और कोई भी सिस्ट खास करके चाहे पीसीओडी हो चाहे मतलब गायनी से रिलेटेड जो भी होती, तो वहां पर मेरा एक मानना है कि जो भी लेडी पेशेंट्स रहती हैं तो उनको कई बार डिजायर को लेकर प्रॉब्लम होती है या मतलब एक तरीके से मेंटल उनके अंदर स्ट्रेस होता है किसी न किसी फॉर्मेट में, तो उस स्ट्रेस को सॉल्व आउट करने के लिए जैसे नस्य है या पादाभ्यंग है या सिरोपिशु वगैरह है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज भी साथ में हमें करनी पड़ेंगी। तो आरोग्यवर्धिनी और कांचनार गुगली और साथ में दीपन पाचन और लोमन में कोई अच्छी सी ड्रग चलाने को, और अच्छा कर सकते हैं तो जो योग के है मतलब लोअर पेल्विक रीजन के लिए जो योग का आसन है दैट इज सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, अनुष्टासन, तो ये योग आसन साथ में कराए जा सकते हैं। तो इन सब से 3-4 महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है, डिपेंड ऑन द अग्नि, तो अग्नि जब ठीक रहेगी तो रिजल्ट आ जाएंगे सर। ये है सर। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर ये सूक्ष्म त्रिफला में त्रिफला क्वाथ की भावना कितने बार देनी पड़ती है? कम से कम मैं तो 42 भावना रहती है, कुछ लोग 21 भावना, कुछ 10 भावना, कुछ 2 भावना, ऐसे अलग अलग रहते हैं। सर ये एक भावना देने में कितना टाइम लग जाता होगा सुखाने में? टाइम लगता है सर, एक दिन तो लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, इतना मेहनत कर देंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। ठीक है, आप एक बार यूज करके देखिए, मैं आपको थोड़ा भेजूंगा, आप यूज करके देखिए तो कितना बढ़िया फायदा करता है। आपकी पल्लवी मैम है ना, उनको भी बहुत अच्छा फायदा करेगा सूक्ष्म त्रिफला। मैंने भेजा नहीं है, मैं ऐसे प्लान था कि बाद में भेजूंगा, लेकिन अभी देखिए। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। ये जो सूक्ष्म त्रिफला है सर, ये जो टीबी के ट्रीटेड पेशेंट्स है उनको दे सकते हैं हम? हाँ, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो दे सकते हैं।
आपके एलोपैथी का जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस तैयार होता है, लेकिन हमारे दवाइयों का नहीं होता रेजिस्टेंस तैयार। सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, एक ह्यूपिन सिरप आता है वो भी बहुत बढ़िया है, ये हमारा आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, इसमें रेजिस्टेंस कभी नहीं होता है, ये फायदा ही करते हैं। सर मेरे एक पेशेंट में नेबोथियोसिस, तो 15 दिन में इससे सर हाँ क्या दिया था बताइए मैम, बताइए पूनम मैम आप लिखिए, नवजोत कौर मैम बताएंगी। सर यही जी और भी थी हिस्ट्री, जैसे उसे फाइब्रॉइड भी था बट नेबोथियोसिस भी थे, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हुए तो, बट जब मैंने सूक्ष्म त्रिफला AKT स्टार्ट किया साथ में बाकी मेडिसिन के, जैसे तापियादि लो वगैरह, विरेचन, नागकेशर चूर्ण, काफी कुछ उनका चल रहा था, तो नेबोथियन सिस्ट वाली पैथोलॉजी जो थी वो 15 डेज बाद जब उन्होंने करवाई नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो पिछली हुई हुई थी उसके बाद, तो वो नॉर्मल थे, मतलब नहीं आए फिर उसमें, तो काफी इफेक्टिव है मैम, साथ में रस पाचक भी और बाकी सारा कुछ जो भी आपका अकॉर्डिंग टू दैट। हाँ जी मैम, एक्चुअली मैम इनको मैंने 3 मंथ्स के लिए दिया था, जैसे पंचतिक्तघृत, दाढ़ी मास्टिक चूर्ण, नागकेशर, ये सारा चलाया था, बस्ती भी चलाई थी इनको, नस्य भी चलाया था, बल्कि इनका ओवरी वाला डिसॉल्व हो गया, बट इसमें सर्विक्स में कोई सिस्टम में कुछ चेंज नहीं। नागकेशर चूर्ण आप पर डे कितना देते हो? मैं तो हाफ TSP बोलती हूँ लेने के लिए, 2 ग्राम के आसपास। थैंक यू। ओके देखिए मैम ने किया, मैम आप ये स्टार्ट कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा। जी मैम मैं ये करती हूँ ट्राई। ये मैम इनका 10 kg वेट लॉस भी करना है, ये ओवर वेट भी हैं, तो बस्ती तो मैंने इनको सहचरादी तेल का दिया था, पर उससे जैसे 2-3 kg वेट लॉस हुआ, फिर अभी जैसे ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो फिर से वो 74 kg वेट हो गया। जी ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आरती मैम आपके बच्चे का तबीयत कैसा है? डॉक्टर आरती शर्मा मैम जी प्रणाम। सर सर आगे से बेटर है, बस उसको खांसी है बस अभी। आपने क्या दिया था बताइए सभी को। सर किस में, खांसी में या फीवर में? ओवरऑल सब बताइए, सब बताइए। सर अभी तो बस त्रिभुवन कीर्ति रस और ये लघु मालिनी विसर्जन 64 प्रहरी, गुदंती, गिलोय और ये सितोपलादि चूर्ण का कॉम्बिनेशन, और त्रिभुवन कीर्ति रस दिन में 3 बार दे रही हूँ, 6 आवर्ली। अभी कैसा तबीयत है? सर सर फीवर नहीं है बट अभी उसको खांसी जरूर हो रही है बार बार। ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, आप कुछ ये दीजिए टंकन क्षार वगैरह दीजिए खांसी के लिए, टंकन क्षार, सितोपलादि चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, चंद्रामृत रस, ऐसे कुछ दीजिए, कन कासव। सर चंद्रामृत रस मैंने मंगवाया, यहाँ पे लोकल अवेलेबल नहीं था तो मैंने बाहर से कहीं से अरेंज किया है, इधर हरियाणा वगैरह साइड से, तो कल तक शायद मिल जाएगा। जी बहुत अच्छा था भाई ये मैम वो चंद्रामृत जी रस। जी सर मैं जरूर यूज करूंगी, और इसको अभी क्योंकि कल भी रात को स्पॉन्जिंग किया तो उसकी वजह से पहले जुकाम नहीं था तो अभी जुकाम हो गया, क्योंकि थोड़ा मेरे को फीवर का ज्यादा डर था बट फिर स्पॉन्जिंग करते रहे बट उससे जुकाम हो गया, इसको जुकाम था नहीं पहले जी। उसको अभी क्या शीरबला कंटिन्यू रखूं, वो 101 वाला आपके वाला? हाँ, उसे हेडेक वगैरह कम हुआ ना? नहीं सर हेडेक तो उसका समझ, क्योंकि इतना छोटा है समझ नहीं आता हेडेक है या नहीं, बट ये है कि आगे से काफी बेटर है, मतलब जैसे आज खेला भी वो, मतलब एनर्जी थी उसमें, उस लेवल की नहीं थी जैसे पहले होता था बट ठीक है, आगे से बेटर फील कर रहा है वो। फीवर वैसे नहीं हुआ सर जैसे वो 103 104 वाला, वो थोड़ा डर लगता है उस फीवर से। आरती मैम नमस्कार। मैम वो खांसी के लिए हुपिंग कप सिर्फ सांडू कंपनी के आती है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और बच्चे को तो और बढ़िया आता है रिजल्ट, आप उसको जरूर दीजिए हुपिंग कप सिर्फ सांडू कंपनी की। अभी वो सर उसके साथ ना ये जो पाउडर बनाया था उसके साथ बाल चतुर्भद्र यूज किया है मैंने, अभी वो मंगवाया तो पाउडर बनाया है ना, पाउडर में जैसे पाउडर को हनी या घी के साथ दे रहे होंगे ना, तो उसी
सांडू की जो आती है हुपिंग कप सिरप, उसी में मिक्स करके दीजिए। बहुत ही बहुत सारे एलोपैथ प्रैक्टिशनर है ना, वो भी बच्चे को देखते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं, और हमने भी किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। आप बच्चे को भी देते हैं फ्रीली, आप उसके एज के अनुसार 3 ml 5 ml की मात्रा जैसे एज है वो आप दीजिए। और सर जैसा बोलते हैं मुहूर् मुहूर् खांसी में दवा देना चाहिए, तो उसको आप 3 घंटे 4 घंटे पे ही रिपीट करिए डोज को, डेफिनेटली खांसी। और चंद्रामृत रस नहीं, सिर्फ अभी आप रिपीट कीजिए ना, 3 to 4 hours में कोई दिक्कत नहीं होता है, 3-3 ml की मात्रा दीजिए उसको। 3 years की है ना? हाँ जी सर, 3 years का बेटा ना। हाँ हाँ, तो सिचुएशन भी अच्छा होता है उससे, उतना बढ़िया। बहुत, मैं तो बहुत प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, और बहुत अच्छा। बच्चे को तो एकदम आंख बंद कर दीजिए उसको, थोड़ा भी अगर जो काम वगैरह है ना, चूंकि हम त्रिभुवन कीर्ति रस दे रहे हैं ना, त्रिभुवन कीर्ति रस से क्या होता है, ड्राई कफ का प्रॉब्लम हो जाता है, हम भी देख लेते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि ड्राई नहीं है उसे, तो आप जरूर इसको चलाइए मैम, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, और 1-2 दिन में ही उसका खांसी मतलब खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर, ये शुरू कर देते। मैंने इससे पहले जब भी खांसी होता था, फूक का मुल्तानी का आता है वो देते थे, उससे कंट्रोल होता था, बट अभी ये सांडू का यूज करूंगी, हुपिंग कप वाला। उसको जैसे पसलियां नहीं चलती, जैसे हम मतलब पुरानी जो आयुर्वेद की बहुत बहुत पुरानी बुक्स होते थे उसमें बोलते थे कि डिब्बा रोग या पसलियां चलना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे उसको ऐसा मतलब वो बलगम निकालने की कोशिश कर रहा है, पर उससे निकल नहीं रहा है, ऐसे स्पिट आउट नहीं हो रहा, ये पिछले 1 week से हो रहा है उसको। मैम वो थोड़ा सा उनको घी तो खिलाइए ना, घी ये डाल करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, घी किसी भी रूप में, या दवा भी देते हैं ना, तो घी में मिक्स करके दीजिए, घी बहुत काम करेगा। घी में वो मेडिसिन नहीं ले पाता उसको, जैसे बाल चतुर्भद्र सिरप में, या उसको इसके साथ थोड़ा सा बीच में मुलेठी डाल के दे देती हूँ, या इसको या हनी के साथ दे देती हूँ घी, क्योंकि दूध वैसे चपाती पे ले लेता वो ना, तो दूध में ही डाल दीजिए, दूध पिलाते हैं तो दूध में ही घी डाल दीजिए थोड़ा सा, वो तो ले लेंगे। घी लगा के ले रहा है, जो सब्जी दाल बनता है जैसे मूंग की दाल ही खा रही इतने दिन से, तो उसमें घी मतलब पड़ जाता है उसमें। आरती मैम, मेरिडान कंपनी का एक इनहेलेट करके आता है, उसका इनहेलेशन दीजिए, उसका कफ कंजेशन जो भी है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, लेकिन ये उनका एपिसोड शायद रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर शायद हुआ था बच्चे को, आई डोंट नो, काफी टाइम हुआ, अराउंड 10 months पहले हुआ था। या आई वाज दैट टाइम, आप शायद समाशा में भी आती थी, तो जस्ट सी दैट कि उसका चेस्ट कंजेशन है, तो आप ऊपर से जो भी चीजें दे रही है उसके साथ में आप इनहेलेट है, जो गंधा पूरा नीलगिरी कर्पूर, हम जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, बट बहुत अच्छे, जैसे कौन सी कंपनी का बताया आपने? मेरिडान मैडम, मेरिडान, इट्स एन कंपनी कॉल्ड मेरिडान, बहुत अच्छा ऑयलेशन है, और उस जब आप इनहेलेशन दो दो बार मैम, वो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ट्रैफिक बहुत है। टेक्स्ट कर दें राम मैम, यस मैम, यस। और दूसरा जैसे सबने बताया ना हुपिंग का, That is also very good. लेकिन आप जो बाल चतुर्भुज दे रहे हैं वो बंद मत कीजिएगा, बेसिकली आपके बेटे का इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, और उस वक्त में मैंने हिस्ट्री आपका सुना था, तो उस वक्त में बेटे को शायद सर्दी जुकाम खांसी ही ज्यादा होता था, तो जैसे सर ने बताया चंद्रामृत ना, तो चंद्रामृत मतलब अंदर उसको रिसने नहीं देगा जो भी इन्फेक्टिव वगैरह, और एलोपैथ तो नहीं दे रहे ना मैम, बिल्कुल भी नहीं, एलोपैथी मैम शुरू से ही नहीं दी उसको, इवन हॉस्पिटल में भी मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम जब 10 months पहले हुआ था ना, तब उन्होंने हॉस्पिटल में वो फ्रीजियम दिया था, उसके बाद मैंने कभी रिपीट नहीं किया, मैंने नहीं कभी रिपीट किया, मैंने कभी एंटीबायोटिक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। एलोपैथिक में अभी जैसे अभी फीवर बहुत ज्यादा होता है, जैसे रात को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर जैसे मैं भी सो जाऊं तो पता नहीं लगता, तो इसलिए रात को मैं उसको जरूर इबियोजेसिक सिर्फ एक बार जरूर दे देती हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ फीवर हो रहा है इसको। देयर इज सिरप
कॉल्ड इंफापायरिन, लेकिन आपके वहां पे शायद ना मिले, लेकिन इंफापायरिन की बजाय जो ये चंद्रामृत और ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया दैट इज वेरी परफेक्ट. यू डोंट नीड एनी पिमोल या आइबू जैसे की एनीथिंग, लेकिन जो हुपिंग कफ सर ने बताया दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. एक योग आप जो बाकी के सब चीजों में इनहेलेशन चेस्ट के ऊपर करिए, महानारायण तेल में जो अपना खड़ा नमक है उसको डाल के उबालिए, और फिर वो वाला जो ऑयलेशन नहीं खड़ा नमक इट्स रॉक सॉल्ट वो डालने के बाद गरम जो पाकिस्तानी नमक होता है. हाँ जी हाँ जी, गुनगुना करके उसकी पूरी रिब्स केज चेस्ट भी उसका डिपिस्टर्म भी और बैक साइड भी उसको अभ्यंग करके ही सुलाइए, और इनहेलेशन भी दीजिए रात को भी और दिन में जो पित्तकाल के पहले उसको इनहेलेशन दीजिए. इनहेलेट ड्रॉप तो आप चेस्ट को लगा भी सकते हैं, बट बहुत छोटी ऑयलेशन. और मैं गए 25 साल में मैंने दूसरी कोई कंपनी का अमृत धारा छोड़े तो उतना स्ट्रॉन्ग कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप उसको लगाइए और इनहेलेशन में आपको दिखेगा उसका चेस्ट कंजेशन जो है कम होने लगेगा. ठीक है तो वो लिख देना आप क्योंकि थोड़ा एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद आपको लास्ट टाइम जब आपके बेटे को किया था तो मैं सब कुछ लिख के दिया था, बट आई विल स्टिल अगेन पोस्ट इट इनटू द ग्रुप. ओके जी, आपने महानारायण तेल वाला बताया था, किया भी था मैंने उस समय उसको, बट ये वाला येलर वाला नहीं बताया था. या मैं इसमें कर देती हूं, आप कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. अनुरिता मैम, मैम एक पेशेंट है पल्लवी जो कल आई थी, मैम उसको लंग्स में भी मेटास्टेसिस है और जो लिम्फ नोड्स हैं उसके जो गर्दन पे और ये इसमें इनहेलेशन में मैम जैसे वासा हरिद्रा नीम ये मैं अभी प्लान किया है मैम, आप क्या सजेस्ट करेंगे? Sir, when there is a metastasis into lungs, please better understand that she has very less alveolis, कि जहाँ पे उसका consolidation नहीं है. हमें ये देखना है कि उसको internal treatment सब बढ़िया जाए, लेकिन जब हम स्थानिक चिकित्सा जो कि instant mucosa पे जो भी cellular membrane है उस पर करते हैं, you very well know metastasis, कोई भी reason, it may be lymphatic drainage, it may be blood arterial or venule, कहीं से भी कोई secretion अगर ooze out होता है या फिर कुछ कॉम्बिनेशन में या फिर उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चेंज होता है, दैट मे लीड टू इंक्रीज मेटास्टेसिस. ऐसे वक्त में मेरे कॉम्बिनेशंस बहुत अलग रहते हैं, आप इंटरनली जरूर दीजिए, लेकिन अगर उसका एक जो भी उसका चेस्ट वाला जो टीएनएम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है क्या नहीं वो स्टेटस, बिकॉज पल्लवी के मैं कैस काफी जनों के मुंह से सुनती हूँ, कल मुझे उसे देख के बहुत तकलीफ हुआ, बिकॉज शी इज इन टू ऑन अ वेरी डेंजर वर्जन. आदित्य सर यू कैन हेल्प हर आउट लाइक एनीथिंग, तो जैसे सर बता रहे थे तो उसका काउंसलिंग रखिए, उसके मनोवर रखिए. बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है पेशेंट क्योंकि उसको दिखता है कि माय लाइफ इज गेटिंग शॉर्टेंड अप, तो आप उसको जो है अगर आपको डायरेक्टली इनहेलेशन देना है तो आई अंडरस्टैंड कि आप वासा लेहर जो है वो उसके खान पान में थोड़ा टेस्टी लगेगा, आप उसका जो भी मन परिवर्तन ऐसे करिए उसका किसी भी, वो आदित्य सर आप है उनके घर वाले है या अरविंद सर है, जहां कहीं भी उसका फेथ है उस व्यक्ति का फायदा लेके उनको पूरी तरह से उनका मन परिवर्तन करना है कि यस यू आर गोइंग टू लिव एंड यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज, तो वो खुद ब खुद ले, क्योंकि उनका कल का मेरा जो गलती से क्या है कि आई वाज इन ट्रैवलिंग, आई कुड हियर इट बट आई कुड नॉट स्पीक इट, क्योंकि ब्लूटूथ पे रहता है कार में मेरा फोन एंड मैं जस्ट मैचेस खेल के आ रही थी, सो दैट्स द रीजन कल हॉस्पिटल थी आज मैचेस खेल के. तो आप क्या करिए हम सर उनको जो भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं उसमें आई डोंट नो योर दिस थिंग, लेकिन जब भी लंग मेटास्टेसिस इन्वॉल्व होता है टुवर्ड्स इट यू ऑलवेज सी दैट बहुत इजीली मतलब हमारे जो वाइटल्स रहते हैं तो उसमें वाइटल्स में मेटास्टेसिस लंग्स का लीवर का ये बहुत जल्दी फेटल डिसाइड हो जाता है, तो उसके कौन से कंपार्टमेंट में कितना उसका एचआरसीडी स्कोर है या फिर उसका जो लोबुल्स है वो कौन सा इन्वॉल्व है उस हिसाब, अगर बेसल लोबुल्स है ऊपर का सारा सिस्टम आप बिंदास दीजिए जो कॉम्बिनेशन आप इसके लिए दे रहे हैं. लेकिन दूसरा आप अगर काढ़े उनको बनवाने के लिए बोल रहे हैं सर, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड सर, मैंने बहुत बहुत झगड़े किए बहुत इससे कि रेडीमेड काढ़ा और द्रव्य पे अपना आयुर्वेद चिकित्सा और उसके ऊपर हमारे रिजल्ट्स है, तो आप ऐसे अभी उसका ये देखिए कि उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी काढ़ा है भले 100 ml नहीं जाए, दिन की 10 गोलियां नहीं जाए, लेकिन जैसे आपने अभी निकाला रास्ता कि 5 टैबलेट जाए 4 टैबलेट जाए, कुछ अनुपान चेंज करके जाए, मैंने बहुत टेस्टी टेस्टी अनुपान ढूंढ के निकाले और वो सारी चीज का मैं करती हूँ या खान पान में ऐसी चीजें कर देती हूँ. आप क्या करिए सर, यू यूज द सबलिंगुअल एरिया जिसमें बहुत जल्दी थ्रू एओर्टिक जो फ्लो है सबलिंगुअल से कैरोटिड और कैरोटिड से एओर्टा, तो अंदर जो भी रिसने का काम है ना बहुत जल्दी फायदा करे, हम लोकली काम करें तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए मैं हमेशा महानारायण तेल है
पीने के लिए बोलती हूँ. अस्थमा इज अदर थिंग, लंग्स एंड निमोनिया इज वेरी डिफरेंट, बट लंग्स मेटास्टासिस सेकेंडरी है कि मेन मेटास्टासिस है कि मेन सी है मुझे कुछ मालूम नहीं. सेकेंडरी मेटास्टासिस माइल्ड माइल्ड फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है. पहले उसको मैं केरातिकता चंदन शुंती आंवला अमृता और अश्वगंधा पिपली मूल बचा भृंगराज ये चीजें दी थी मैंने. तो खांसी अभी कम है मैम, लेकिन जो नोडल्स जो नोड्स है मैम वो बढ़ रहे हैं वो इनहेलेशन के थ्रू, मतलब उसका अंदर कुछ कर सकते हैं अगर उस तरीके से. मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अलग है. आई जस्ट सीक आउट कि मैं पहले देख लूँ फिर उसके बाद में आपको ये करूँ, बिकॉज नोड्यूल्स जो है दे आर रिलेटेड विद लिम्फेटिक्स, मतलब हमारा रस वस फोकस और हमारा रसायनी जो भी है आप स्रोतों की परिभाषा देखिएगा आम रिलेटेड या अग्नि रिलेटेड, मतलब हमारा एक बार आपको एक कवर गृहिणी पे देना पड़ेगा सुवर्ण परपटी या कुछ ऐसे इस तरीके से ताकि वहां का आम आगे रस धातु तक ना जाए, फिर रस धातु को क्लीन अप करना पड़ेगा जैसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस पे काम करते, फिर रसपाचक घन रहने दीजिए, रक्तपाचक घन रहने दीजिए, जो थोड़ा फास्ट एक्टिंग हो, और जब तक उसकी रस की दुष्टि दूर नहीं होती है तब तक उसका चिड़चिड़ापन और उसका ये चीज भी कम नहीं होगा, बिकॉज मेटास्टेसिस थ्रू लिम्फेटिक बहुत फास्ट डेवलप होता है. तो वो जो व्हेनेवर यू ट्रीट अ कैंसर एंड व्हेन यू ट्रीट सेकेंडरीज यू ऑलवेज सी व्हाट इज फर्स्ट द वाइटल, यू हैव टू रिस्टोर द वाइटल. फिर वो हीरक यूज करना है, सुवर्ण यूज करना है, क्या यूज करना है दैट इज वेरी डिफरेंट, बट व्हेन यू ट्रीट अ कैंसर और कैंसर विद मेटास्टेसिस योर लाइन शुड बी जैसे आपने बहुत सही की इनहेलेशन. मैं आपको जो बता रही हूँ इनहेलेट, वो इनहेलेट आप यूज करके देखिएगा, लेकिन अभ्यंतर था उसको अगर तिर्यक दृष्टि होगी रक्तपित्त की, कहीं पे ब्लड ओजिंग होगा या फिर लंग्स से कहीं रेड स्पुटम वगैरह निकल रहा होगा, तो आपको इंटरनल इंटेक में गुदंती प्रवाल वासा गुडुची यष्टि ये सारी चीजें सबलिंगुअली जैसे हम इसमें देते हैं अस्थमा में वैसे 2 आरली 3 आरली 4 आरली. द रीजन मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में उसको लिवर या कुछ सपोर्ट करता होगा अगर वो पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी आपके पास में आई होगी, बिकॉज सब कुछ नष्ट हो चुका होता है, धातुवाग्नि भी दूर जठराग्नि भी दूर, दैट टाइम यू हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ सबलिंगुअल वे पाथवे एंड देयर शुड बी समथिंग जिसका स्रोतोगामी तो बहुत अच्छा हो और वो बहुत फास्ट एक्शन करे, बिकॉज वी कैन रेस्टोर अवर लाइफ, वी कैन गिव अवर अ क्वालिटी दिस थिंग. ओके तो मैम सबलिंगुअली आप ये कैसे अब्सॉर्प्शन का क्या सजेशन? सर मेरे अब्सॉर्प्शन के तरीके बहुत अलग है. जब प्लेन पेशेंट है अच्छा खा पी रहा है तब शहद रहता है, पेशेंट अगर पित्त प्रधानता है सब जगह पे उसका पोस्ट केमोथेरेपी बहुत ज्यादा रक्त दुष्टि रहती है तो नवनीत रहता है, छाछ रहता है कभी, शहद और घी का कॉम्बिनेशन है जिसमें स्रोतोगामी तो करने वाला घृत है और वो घृत और विषम मात्रा में शहद और इसका रहता है, बट मैं काफी ऑयल्स भी यूज करती हूँ जैसे पहले क्षीरबला चंदनमला ऐसे ऑयलेशन में कुछ चीजें करके, लेकिन अभी आई यूज ओमेगा ऑयल्स जो जिसका स्रोतोगामी तो बहुत अच्छा है, जिसके पाक बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत फाइन होने चाहिए, उसमें जब आप कोई भी घोल करते हो, बिकॉज व्हेन यू आर इन मॉडर्न पीपल सर यू नीड टू गिव देम रिजल्ट्स विद 72 आवर्स, दैट्स द रीजन दे विल अलाउ अस टू गिव द रिजल्ट. तो इसलिए वैसे कॉम्बिनेशन में उसको सब लिंगुअली दो, आपका जो भी भले आप जैसे मलसा सिंदूर यूज कर रहे हो या स्वर्ण परपटी यूज कर रहे हो या हीरक भस्म यूज कर रहे हो, त्रिभंग यूज कर रहे हो, अभ्रक यूज कर रहे हो, तो वो खाएगा फिर डाइजेस्ट होगा उसके बाद में रिजल्ट देगा, उसकी बजाय यूज सब लिंगुअल पाथवेज, यूज इंट्राडर्मल जो भी चीजें है. मेनी अ टाइम व्हेन इट इज चेस्ट आई ऑलवेज से अपॉन हमारे जो भी मर्म के स्थान है उन मर्म के स्थान जो ऑयलेशन है वहां पे उसको सिद्ध करिए आप, जो भी रक्त पाचक तंत्र केस में वासा होगा बाकी की चीजें जो भी थी किरातिक तक. द रीजन हमारा जो जिपिस सर्नम है उसमें लाइनिंग बहुत पतला रहता है जिसकी वजह से वो इसमें बहुत अच्छी तरह से रह सकता है. तो यू कैन से क्योंकि उंगली से जब भी आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज मोशन में करते हो तो सब ड्यूरल भी वो ये होता है. देन अनदर इज इनहेलेशन, सेकेंड इज अलेप, आप लेप में जो भी है सारा, बट आई डोंट नो द केस, आई जस्ट नो मैंने कल उसको सुना है कुछ सी हर पेन वाज नॉट एट ऑल, मतलब बेयर नहीं हो रहा था मुझे इतना उसका ये दिखा. तो सी दैट कि उसका एक जगह से इम्यूनोथेरेपी भी हो कि जिसकी वजह से उसका आर्य चिकित्सा हो कि उसका इम्यूनिटी बूस्टअप हो, आईजी आईजीएम इस पे जितना जल्दी आप आईजी आईजीएम पे काम करेंगे जितना जल्दी उसका इम्यूनो मतलब कंप्रेशन से दूर वो होगी उतनी फास्ट उसका रिजल्ट. हमें लगता है कैंसर काबिज करो, सी देयर इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन कि हाउ मच इज योर कैंसर पावर विच डिपेंड्स ऑन टू सी मार्कर एंड अदर थिंग्स एंड मेटास्टेसिस, बट देयर इज अनदर पावर विच इज इटर्नल पावर दैट मे बी स्पिरिचुअल दैट मे बी मेंटल दैट मे बी फिजिकल. तो फिजिकल है दैट इज इन टू आर कंट्रोल,
मज्जा पे काम करना, रक्त पे काम करना, रस पेदान काम करना, जितना जल्दी आप इसको बूस्ट करेंगे उतना जल्दी आपको दिखेगा कि रिजल्ट्स बहुत फास्ट है. सो गो इनटू दैट वे. एंड डिफिकल्ट हमारा आयुर्वेद का ये है सर, पेशेंट डिस्टेंट रहता है, जल्दी विश्वास नहीं करता है, फिर फेथ नहीं रखता है. यू आर एट अ डिस्टेंट, देयर आर सम लिमिटेशंस. इन लिमिटेशंस को पार करके अगर शोधन शमन जो भी वो फॉलो करे इट्स वेरी गुड, अगर नहीं फॉलो करते तो वी हैव टू टेक आउट अवे. जैसे वो खान, जैसे मैंने अभी बताया कि आप आमपाचक जैसे बारीक करके दे रहे तो वैसे उसका रस पे काम करे, सगरास दे, दाढ़ीमाशक दे रहे तो सगरास दे, जो अभ्रक और अगर ऐसी वाली चीज है तो सबलिंगुअल दे. तो जिसकी वजह से हमको एक और चीज रहता है कि आई ऑलवेज प्रमोट अग्निहोत्र ऑल्सो. अगर गाय का घी गोमूत्र और ये मिलता है, अग्निहोत्र रेडीमेड भी ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन दैट हवन गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट क्लियरिंग द ऑरा व्हेन द पेशेंट इज इनटू दिस थिंग. आई हर्ड दैट कि पेशेंट के शायद हेल्पफुल लोग नहीं थे या कुछ खाना बनाने वाले, ऐसे कुछ बातें चल रही थी आपकी. तो इनटू दैट टू टेक आउट अ वे टू मेक हर चैलेंजिंग पर्सनैलिटी डेवलप, आप थोड़ा सा अग्निहोत्र भी प्रमोट करें, बहुत अच्छा ऑरा डेवलप होता है. मुझे एक बार आप पेट स्कैन वगैरह दिखा दीजिए तो मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड होगा, या फिर अगर स्कैन लंग्स होगा, अगर उसका वाइट मतलब एकदम ही ब्रोंकियल के जहाँ पे डिवीजन है वहीं पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगा तो देन वी शुड नॉट टच इट. द रीजन एलोपैथ कांट डू एनीथिंग एंड इट इज हर लाइफ मार्कर. लेकिन अगर नीचे के लोबल्स में है एल्वोलाइज कंसोलिडेशन एंड इफ यू कैन बाय एनी मींस यू कैन डिसॉल्व इट अप, डोंट लीव द चांस, देन यू गो प्रोसीड फर्दर. बट व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग सेकेंडरीज ऑलवेज सी वाइटल्स. ओके जी मैम, जो पेट स्कैन है वो पुराना है, उसके बाद उनको सिम्टम्स डेवलप हुए और नोड्स भी प्रोट्रूड थे चेस्ट से, तो इसलिए फिर वो कराया नहीं बाद में पेट स्कैन. कितना जनवरी का है? जनवरी जनवरी का 2023 होगा ना? नहीं 23 हां, वो पुराना नहीं है सर, उसका प्रोग्रेस किया तेजी से उसके बाद. प्रोग्रेस मतलब इन द वे ऑफ रिकवरी, क्योंकि अरविंद सर का ट्रीटमेंट नहीं, वो अभी आज पहला डोज लिया है मैम, उन्होंने आज पहला डोज लिया. अच्छा पहला डोज लिया है. नो सर, यू नीड टू काउंसिल, गिव अप नहीं करना है. द रीजन आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट सर, मुझे यहाँ से त्रिपुरा और यहाँ से गुजरात और पंजाब पेशेंट है तो बहुत उनको समझाना पड़ता है. दूसरा मैं सीधा उनके, जैसे मेरे पास में केस था लेकिन आई थिंक आई हैव वेरी लेस टाइम, तो उस केस में पेशेंट इज जस्ट 32 ईयर्स. मैंने बोला नहीं तुम्हारी वाइफ चाहिए मुझे, आपका ट्रीटमेंट मैं शुरू नहीं करूँगा. वाइफ क्यों चाहिए? मुझे मामले में मुझे उसका पानी बंद करना है, क्योंकि वो किडनी फेलियर में 3 साल से है. उसका 12 GFR था, 7 GFR, 15 GFR से उसने शुरुआत. अभी एलोपैथी स्टेरॉइड वगैरह जब केस हिस्ट्री निकाली, पेशेंट किडनी फेलियर का था ही नहीं, पेशेंट वॉज इंड्यूस्ड MKD, मेडिकल मेडिसिन इंड्यूस्ड, क्योंकि उसने बचपन से अस्थमा की स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ली. तो वो सारी संप्राप्ति निकाल के मैंने बोला मुझे और 2 दिन लगेगा, मैं भी इमीजिएटली ट्रीटमेंट शुरू नहीं, तब तक आपकी वाइफ को बुला. फिर वाइफ को बुलाने के बाद में चला पता चला कि उसका कंटिन्यूस 5 से 7 साल से उसका अग्निमान दिया है. तो कैसे संप्राप्ति घटित होती है आपको एक बार पता चल गया तो कैन जस्ट गो इन, नो नीड टू सी के उसका डायग्नोसिस क्या है. कोई भी कैंसर और कोई भी मेटास्टेसिस रहने दीजिए, अगर आपने वाइटल्स को पकड़ा, अगर उसके अग्नि तक आप पहुंच गए, यू कैन विन द रेस, यू कैन इंक्रीज वेरी गुड लाइफ इन कंपेरिजन विद केमो एंड रेडियोथेरेपी. हेलो हेलो, हाँ आप ऑडिबल है, ऑडिबल है आप जी सर. सर मुझे पूछना था, वो बच्चा ना कल से कह रहा है, उसके ना थोड़ा हल्का पेट दर्द हो रहा है, पता नहीं वो मेडिसिन ना लेने की वजह से कह रहा है या क्यों कह रहा है. अभी भी रात को भी वो ये बोल रहा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो उसको क्या दे सकते हैं? पेट दर्द हो रहा है तो हींग दीजिए ना, अजवाइन हींग. सर ये पतंजलि के घर में पड़ी है हींग वटी, ये क्या बोलते हैं इसको, हरड़ वटी, ये दे सकते हैं ना? हाँ, ये संजीवनी या अग्नि तुंडी वटी में से कुछ दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, वही दीपन पाचन अनुलोमन होना चाहिए, हींग सबसे अच्छा अनुलोमन करता है. ठीक है सर, हींग अजवाइन वाली आती पतंजलि की, वो पड़ी है घर में. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर. अंजना मैम आ गई हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अंजना मैम से, कोई केस पूछना है. मैम हमें पढ़ाती भी है, मैम डेली पढ़ाती है शाम को थोड़ा सा छोटे टॉपिक्स. कब कब पढ़ाती हैं? मैं इसी इसी संभाषण में आखिरी के वक्त पढ़ाती हूँ. हाँ आज अंजना मैम कुछ बताना चाहती हैं आप?
सर आज सुन रहे हैं और कल बताएंगे फिर। जी सर। अरविंद सर। हाँ बोलिए। हाँ मुझे पूछना था सर, उस पेशेंट की 10 से 12 गोलियां चालू है और उस 10 12 गोलियों के बाद में आए अंडरस्टैंड कि अगर 2 साल पहले उसका 15 VGFR था, क्रिएट अभी 9 है, 200 उसका यूरिया है और पेशेंट को अग्निमंदी के लक्षण छोड़े और बाकी चीजें छोड़ी तो ही इज टेकिंग 12 टू 15 टैबलेट्स बिकॉज उसका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन भी है, 32 एज है सिर्फ उसका। तो हम जब उसको इस कंडीशन में शोधन दे सकते हैं क्या सर? द रीजन इज दैट कि उसको डायलिसिस की टेबल से बाहर निकाला गया और श्रीगोंदा से भेजा गया, ही इज आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट। तो बल देखिए, अग्नि देखिए, बल देखिए, पेशेंट का बल है क्या शोधन करने के लिए? नहीं सर, बल बिल्कुल नहीं है, तो फिर बस्ती दीजिए ना, तीन बस्ती। तो सर एक बस्ती लेगा और चला जाएगा उसके बाद में, वो नहीं समझ रहा है मुझे। और दूसरा चीज मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे पेशेंट में मैं अगर कोई विरेचन का योग देती हूँ, वो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ 200 और 150 के ऊपर उसका बीपी रहता है। सिखा दीजिए और वो जो आप देती है ना इंटेस्टाइन का जो बस्ती सिद्ध करके, वो सिखा दीजिए और फिर तब। मैं एक्चुअली सर एकदम स्टार्टअप में उसको दे सकती हूँ क्या? क्योंकि अग्नि मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा अग्नि दीपन वगैरह करके फिर, लेकिन पेशेंट को एकदम डायलिसिस बोला था, डरे हुए घर के और पूरी खानदान रो रही थी, मतलब उन्होंने मान लिया था कि अभी पेशेंट इज नॉट, उनका चेन्नई का भी विजिट हो चुका है, डायलिसिस के बजाय ट्रांसप्लांट करना है कि डायलिसिस करना है, वो इस कगार पे थे और डायलिसिस शुरू करना था उनको सेंट्रल लाइन से, उनको किसी से मेरा कार्ड मिला। अच्छा, मेरा पुराना डायलिसिस करने के लिए वहां रुक सकते हैं लेकिन आपके पास नहीं रुक सकते बस्ती के लिए 7 दिन 15 दिन। पैसे का सर तकलीफ रहता है और दूसरा मुझे ऐसे, मतलब उनका बच्चा भी बहुत छोटा है एंड सेकंडली इज अ टीचर बाय प्रोफेशन सर, मतलब कोई 25 साल तक अस्थमा की दवाई ले रहा है और उसका किडनी फेल हो रहा है। मेरे घर के पास पीजी है, वहां पे 300 रुपए पर डे लगता है, तो आप इधर रख के और फिर दे सकते हैं बस्ती। तो पीजी जो है फैमिली को अलाउ करेगा सर? उनकी बेटी फैमिली को नहीं करेंगे, फैमिली को नहीं। ऐसे फ्लैट तो मिल जाते हैं आसपास, कितने सारे मिल जाते हैं सस्ते में, ऐसे ही अभी लॉकडाउन के बाद सब ऐसे ही रिका में मिल जाएंगे फ्लैट उनके बजट में, 1 महीने के लिए मिल जाएंगे हमारे एरिया में, उनको रख के और आप बस्ती दे दीजिए। ठीक है, अगर आप विरेचन और वमन नहीं दे सकते तो बस्ती तो दे ही सकते हैं। मैं बस्ती के लिए सोच रही थी और दूसरा है, लेकिन पेशेंट मतलब काफी दूर से है ना, तो रेगुलर आ नहीं पाएगा, पेइंग है नहीं तो हॉस्पिटल। एक दो दिन आप सिखा दीजिए, फिर उनको बोलिए कि आप खुद करिए और डेली का डेली फॉलोअप दें, अपडेट करते रहे। सर लेकिन ये 12 टैबलेट में से 3-4 टैबलेट तो मुझे ऐसे लगता है कि बस, तो कौन सा आप बंद कर सकते हैं? आपको ज्यादा नॉलेज है ना, कौन सा बंद कर सकते हैं आप? देखिए सर, हर 15 दिन में और हर 10 दिन में मुझे फार्मेको पढ़ना पड़ता है, ऐसी भयानक भयानक गोलियों के नाम है। स्टडी के लिए मुझे 2-3 दिन लगेगा, उसमें से मैं जो सोडामेंट वगैरह जिसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है किडनी पे, वो तो नहीं ये करूंगी, मतलब चालू रखते, लेकिन बाकी का जो बेवजह कुछ दिया रहता है न्यूरोसेव जिसका कोई बाद में काम नहीं रहता, रोल नहीं रहता है, और काफी सारे उसकी इसपे हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दिए, तो जब हाइपरटेंशन कम हो जाएगा तब मैं उसका रिड्यूसिंग डोज करना चाहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं इमीडिएटली बस्ती दूं कि विरेचन दूं कि उसका एक ही दिन आएगा वो, तो वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। अभी आज बस्ती दीजिए, बस्ती सबसे अच्छा रहेगा, टिक टक से मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती यार, अच्छे से बस्ती देंगे तो भी कोष्ट शुद्धि होगा, पेशेंट को थोड़ा विश्वास हो जाएगा। मैंने आज गोक्षुर और ये क्षीरभला दोनों का कॉम्बिनेशन नाभिपूरण के लिए दिया है क्योंकि ट्रैवलिंग में थे और 2 दिन के बाद में जब तक रिपोर्ट नहीं आते तब तक करिए, देखिए करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर कुसुम मलिक मैम, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट पूछना है तो पूछिए, किसी को गायनेक रिलेटेड पूछना है तो अंजना मैम से पूछिए या आप बताइए। प्रणाम अनुर्ति मैम। किसको बोला आपने? हाँ जी सर, प्रणाम सर, अनुरिता मैम से। अनुरिता मैम आपसे पूछ रही हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, जो अभी आपने बोला उनको गोक्षुर और क्षीर बला। हाँ मैम
वो तो मैम सिर्फ नाभि, क्योंकि मुझे शोधन के सिवा मुझे ट्रीटमेंट पे स्टार्टअप करना सही नहीं लगता है, और दूसरा पेशेंट मुझे अवेलेबल नहीं होता है, आउट ऑफ स्टेशन का है, तो फिर मैंने भाई सबलिमिनल पक्वाशय के स्थान पे काम डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्टली नाभि पूरण शुरू करा दिया। कुछ नहीं तो कुछ नुकसान तो नहीं होगा। और मैम किस किस फॉरम में बोला उनको, मतलब ऑयल फॉर्म मैम, ऑयल फॉर्म, ऑयल सिद्ध गोखरू, हाँ, शीर बला और उसमें थोड़ा गोखरू सिद्ध करा दिया, ऑयल उसको दे दिया और उसको बोला कि आपको पिचू जो भी है नाभि में सोते वक्त में रखना है, गोमूत्र हरी तक ही दे दिया। फिलहाल 2 ही दिन का चंद्र प्रभा गोक्षुर पुनर्नवा और ये दिया, बिकॉज उसकी शायद स्प्लेनोमेगाल भी निकली आज रिपोर्ट आए। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक डीएमसी स्कैन नहीं होता है, 1530 जीएफआर के नीचे केस को हाथ नहीं लगाती हूँ। एक बार डीएमसी स्कैन में पता चल रहा है कितना किडनी मतलब ये है बचा है, उसके बाद में आपने लेना चाहिए। द रीजन पेशेंट सब कुछ खराब करके आता है आयुर्वेद के पास में, बाद में आयुर्वेद को नाम रखता है, तो मैं वो चीज रखती नहीं हूँ। 2 दिन मैंने उसको सिर्फ दीपन पाचन और ये चीजें दी है और कंप्लीट टमक बंद करने के लिए बोला, बिकॉज उसका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऐसे टप्पा लग चुका है। एक बार नमक कम्प्लीटली बंद कर दिया, उसको नॉनवेज भी खाने के लिए बोला था, मैंने उसका नॉनवेज बंद कर दिया है। ही इज ऑल्सो क्रिकेटर, तो मैंने उसका क्रिकेट बंद कर दिया, बिकॉज जितना वो एक्सरसाइज अभी करेगा उतना क्रिएट यूरिया बढ़ेगा, तो मैंने उसको सूक्ष्म प्राणायाम और इस पे दीर्घ श्वसन पे ये किया है। उसको स्प्लेनोमेगाली क्यों निकला है समझ नहीं आ रहा है, बस स्प्लेनोमेगाली का रीजन पता चल जाता है फिर उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसलिए अभी फिलहाल कुछ नहीं तो कुछ देना चाहिए, 2 दिन तो हमारे हाथ में, और 24 आवर्स में यूरिन आउटपुट कितना बढ़ता है, मैं एक बहुत एकदम ले लैंग्वेज में उसको बताती हूँ। भाई तो मेरे पास में आया तो एलोपैथी के इतने 12 गोलियां 5-10 साल का ट्रीटमेंट, तो मुझे 24 आवर में कितना यूरिन आउटपुट तुम्हारा जमा हो रहा है वो बताना है। रात को 10 बजे गोलियां बंद कर देनी है एंड रात से लेके दूसरे दिन के 24 घंटे तक आयुर्वेदिक लेना है और मुझे 24 घंटे का यूरिन आउटपुट बताना है। तो अभी विद एलोपैथी पता चला है, अभी 2 दिन मेरा परीक्षा है आयुर्वेदिक का कितना आउटपुट चेंज हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, फिर उस पे से ट्रीटमेंट लाइन। थैंक यू। और एक सर जो नबोथियन सिस्ट वाला बोल नहीं रहे थे एक मैम अभी कि उसमें नहीं आ रहा, विनीता मैम थे शायद रिजल्ट, तो उसमें सर जैसे त्रिफला की पोटली सी वो पिचू जो जोनी में वो पीछे से एक लंबा वो छोड़ के मतलब उसको बाहर निकालने के लिए पोटली सी बना के उसको क्रंच तेल में अगर भिगो के अंदर रखवाया जाए, उसका वहां पे लोकल से कुछ इफेक्ट आ सकता है उसमें नबोथियन में? वही बता रही थी, 100% आएगा। वो पूनम ठाकुर मैम पूछ रही थी। हाँ जी, करण तेल के बजाय ना त्रिफला तेल ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि नबोथियन से जो है ना, तो मैम उसकी पोटली ही हम त्रिफला की बना रहे हैं ना, ऊपर से उसको डिप कर देंगे क्योंकि वो तो ड्राई चूर्ण है, उसको डिप कर देंगे क्रंच तेल में दोनों। मैम एक्चुअली नेबोथियन सिस जो है ना मैम, इट इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल म्यूकस सिक्रीशंस ऑफ सर्वाइकल दिस थिंग। और दूसरी चीज, आप जब उसको देते हैं करते हैं आप जब, तो अगर त्रिफला ग्रोथ है तो वो लेखन कार्य भी करेगा। दूसरा चीज, नेबोथियन सिस्ट आर बिनाइन बट दे शुड नॉट बी देयर। आपका जो भी सर्वाइकल कैनाल है उसकी टॉप ऑफ द वजाइना तकरीबन 1 इंच ऊपर जो लॉन्ग अपनी ये रहती है, उस सर्वाइकल इसमें जो रहता है तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन, तो मतलब हमारी भाषा में ऐसे समझिए कि कफ की दृष्टि या फिर श्रोतारोचन्य संप्राप्ति, तो वहां पे जो भी त्रिदोषात्मक जो श्रोतारो दूर करे, ऐसे किसी भी सिद्ध तेल का आप ही रखते हैं तो वहां पे आपको पीछे से भी रिजल्ट मिलता है। दूसरा, सर ने तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बता ही दिया, AKT, तो आपका 100% जाता है। और मैम ने तो 15 दिन में ही गला दिया, हमारी नवजोत मैम ने, तो इट्स वेरी गुड, यू कैन गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। नेबोथियन से खुद बिनाइन रहता है लेकिन आगे चल के संप्राप्ति बढ़ाता है, क्योंकि वो श्रोतारोध कैनाल रिलेटेड रहता है। तो जिनका भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम है, PCOD है, मेट्रोरेजिया है, मेनोरेजिया है, मतलब हमारी जो भी प्रदर वाली चीजें, उन सारी चीजों के लिए श्रोतारोध करके रहता है। इस वजह से नेबोथेंसिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मॉडर्न के लोग तो नेबोथेंसिस को बोलते भी नहीं है, बस टाइनी लंपे छोड़ दीजिए उसका कोई बिनाइन है, जब तक वहां पे कोई सीरियस संप्राप्ति नहीं होती तब तक बोलते नॉर्मल है, बट इट्स नॉट नॉर्मल। It should not be there. It's normally the starting of other pathologies getting to guide. Yes, ma'am. Actually, it's a sign of mucus-filled cyst itself is a sign of srotavrodh, which is into the canal, means it is vatijanya dushti also. And secondly, it is related with your stratified squamous epithelium, jo ectocervix mein rehta hai. Ectocervix is all the time exposed to lot of infection. Iska matlab you need to counter your infection, your shuddhikaran. Endocervix jo hai aapka, jo nearest to uterus hai,
एंड एक्टो सर्विक्स जो आपका एक्सटर्नल पार्ट में है, तो दैट्स द रीजन इट्स अ टिश्यू लाइक ग्रोथ, ये पॉलिप की तरह दिखता है, क्रिप्टी रहता है और पॉकेट्स वगैरह कभी कभी रहते हैं, तो यू शुड ऑलवेज सी दैट की सिक्रीशन हो. दूसरा पेन वगैरह कुछ है क्या, एंड जैसे मैम बताती है तो उसके साथ में हमेशा काउंटर चेक करते रहना चाहिए, पेशेंट 40 प्लस है, पोस्ट मेनोपॉज है, तो उसका पैप स्मियर है या बाकी का जो भी चीज है. यू शुड ऑलवेज सी दैट एवरी लेडी आफ्टर 40 एज कम्स फॉर एनी सिंपल डैम्पिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर गायनेक. हिस्ट्री द रीजन इंडिया का टॉप मोस्ट कैंसर के इसमें लिस्ट में फिलहाल यूट्रस कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर है, एंड नेबोथिनसिस पाए जाते हैं उनकी बैक हिस्ट्री में, भले वो नहीं रहते कैंसरस, बट इट्स अ साइन. ओके थैंक यू. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब ये जो इंटरनल पिचू रखते हैं मतलब इसको कितने टाइम के लिए, मतलब जैसे बाहर तो पिचू रात भर चेंज, रात भर रखते हैं. जिसको पेन नहीं होता है मैम उसको आप रात भर रखिए, यूजुअली 3 घंटे 2 घंटे में भी फायदा देता है. आप कितना सूक्ष्म कितना अच्छा पाक वाला ऑयल यूज करें, बिकॉज कुछ लोगों को इरिटेशन भी होता है इफ योर ऑयल इज नॉट गुड. पाक का अगर रहता है तो उसको ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते, कषाय रसात्मक है तब ज्यादा नहीं रख सकते, तो आप कौन सा क्या चीज द्रव्य यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी है. ओके अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रहा है ऑयल वाला है तो यूजुअली मैं पीसीओडी इनफर्टिलिटी या गायनेक रिलेटेड जो भी फाइब्रॉइड वगैरह वहां पे मैं ओवरनाइट रखती हूँ जैसे सर ने बताया, लेकिन आपका ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, और किसी इसका कोई वीडियो मिल सकता है ऐसे पिचू इंसर्शन का थोड़ा सा क्लियर होगा तो. वेरी सिंपल मैम, इट्स वेरी सिंपल. हम जैसे टैम्पून बनाते हैं उसको एक छोटा मतलब थ्रेड नहीं, उसी हम कॉटन बैंडेज यूज करके बनाते हैं, उसका एक लंबा सा जो थ्रेड है लंबा सा जो कट है वो ऐसे रखिए कि जैसे वो बाहर रहेगा, इजिली निकाल पाए, अंदर रहना नहीं चाहिए. कुछ लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, बड़ा सा टेम्पून बनाइए उसको ऑयल में डुबोइए, पोश रहने दीजिए, लंबी सांस लेने के लिए बोलिए, और उसके बाद में इन मैरिड लेडी यू डोंट हैव एनी इश्यूज, बट इन नॉन मैरिड यू कांट यूज इट, यू कैन जस्ट गिव देम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. ओके थैंक यू. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. कुछ पूछना है किसी को? नहीं तो अभी सेशन बंद कर दें. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ पूछिए पूछिए मैम. सर जैसे कहते हैं कि मतलब उरु कफ का स्थान है, मतलब ये जो उर प्रदेश है, तो मतलब बेसिकली जैसे हम ये न्यूमोसाइट्स की बात करते हैं तो उसमें मतलब एयर का ज्यादा वो सिस्टम रहता है, तो इसको हम ऐसे कफ प्रदेश क्यों बोलते हैं, वात का प्रदेश क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां काम तो सारा वो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री की थ्रू मतलब प्राणवायु जा रही है, तो वो वायु का मेन स्थान कहाँ बोला है, पक्वाशय, वहां से उत्पन्न पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रासि स्पर्शनेन्द्रिय स्थानम वातस्य तत्र विपक्वदनम विशेषस्य. और तो उस हिसाब से आचार्यों ने बनाया ना स्थान, हम उसको कैसे चेंज करेंगे. हाँ जी, आप तो मैम सिर्फ आप पे भरोसा रखिए, आप जितनी ट्रीटमेंट करेंगे वहां पे आपको विलयन देना ही पड़ता है, कफ की दृष्टि मिलती ही है. आप कोई भी पैथोलॉजी मॉडर्न की निकालिए आयुर्वेद की निकालिए और आपके आगे कुछ है ही नहीं मैम, वहां दिमाग ही नहीं लगाना. क्योंकि मतलब एक कुछ संभाषा यहाँ चल रही थी तो उसमें मतलब जैसे मतलब बेसिकली प्रोफेसर्स की थी, तो उसमें मतलब वो लोग ये बोल रहे थे कि कुछ आचार्य ये मानते हैं कि ये जो हमारा गट है ये मतलब कफ का स्थान है, तो कुछ आचार्य ये मानते हैं कि उर प्रदेश है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस चीज को लेके, इसलिए मैंने पूछा. ऐसा नहीं है कि निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है. नहीं नहीं मैम, मन मतांतर हो सकते हैं और इसमें निष्ठा नहीं, आप जितनी भी वाद विवाद देखेंगे, लेकिन अगर किसी को जैसे अभी मैम की केस थी बच्चे की, तो मैम वहां पे त्रिदोष संप्राप्ति और सप्त धातु का विचार होना ही चाहिए, पंचतन्मात्रा का होना ही चाहिए, लेकिन जो स्थान जिस चीज का बोला है आप देखिएगा अपनी जो भी संप्राप्ति है वहां पे इन्वॉल्व होने वाले दोष स्थान इन सारी चीज के बारे में डिटेल है. आप टीबी कहीं का भी रहने दीजिए, लेकिन अगर आपने गृहिणी पे चिकित्सा नहीं किया मैम उसका टीबी रिकर होता ही है, होता ही है.
आप जो भी ऑस्टियोजेनेसिस जो मतलब रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है कि ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह दिख रहा है, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो उसका जो भी है रस रक्त दृष्टि वो फिर स्टीरॉइड से खराब हो या वो कोई ओवर डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक लिया हो, उसका ऑस्टियोपोरोसिस आपको मज्जा और अस्थि तक दिखेगा ही, बिकॉज रस रक्त दृष्टि दूर ही नहीं किया है। तो इस तरीके से उसका कोरिलेशन रहता है। आई डोंट से यू अबाउट दैट, बट ऐसे मत मतांतर देखेंगे प्रोफेसर से कुछ भी, लेकिन मैं अल्टीमेटली जो है ना जब आप ट्रीटमेंट करते हो आपको वही दिखता है। मेरे पास में आज एक छोटा बेबी आया जिसका मेसेंट्रिक नोड पॉजिटिव आया एंड लिम्फ ग्लैंड है। मैंने उनको पूछा कि क्या तकलीफ होती, कुछ नहीं, सर्दी के लिए बहुत सारी दवाइयां खाई है मैम। अभी आप देखिए कि उसका मेसेंट्रिक नोड है और वो मतलब वहां पे उसको पेन करता है और उसकी सर्दी खांसी की दवाइयां दी गई, उस वक्त में ना आपका दिमाग काम नहीं करता कि ट्रीटमेंट कहाँ देनी चाहिए, लोकल कि मेसेंट्रिक नोड पे। लेकिन आप जैसे उसका संबंध लगाते हैं उसके मूल स्थान से लगाते हैं, उसकी दृष्टि से लगाते हैं, दोष से लगाते हैं, आप जैसे सटीक उस पर काम करते हैं बराबर रिजल्ट मिलता है। जहां आपको कफ दृष्टि नजर आई वहां त्रिकोटु काम करना ही चाहिए, और जहां पे आपको वात दृष्टि वहां बस्ती से ही आप कॉन्कर कर पाती, कोई भी पैथोलॉजी कहीं पे भी रहने दीजिए। जस्ट अपना मतलब मत मतांतर सुनिए, लेकिन ट्रीट करते वक्त आपके ध्यान में आता है मैम। हाँ जी, नहीं ये डॉक्टर साहब आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगा ग्रहणी वाला, क्योंकि पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है क्या है, तो जब से मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो वो मतलब ट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ही आ रहे हैं मेरे पास। तो किसी का मतलब रिवाइव हो रखा है, किसी को ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा है, किसी का वेट लॉस हो रखा है साथ में, तो इस चीज को लेके मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो अभी मतलब जितने पेशेंट्स है ना तो मैं उनकी ग्रहणी पे वर्क करूंगी पहले। थैंक यू सो मच, ये तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट। हाँ जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। माय प्लेजर, माय प्लेजर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ।